अरे भाई चल पड़ा चले चलो। हाँ जी भाई, हाँ जी, जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं लड़के, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? बोल दो बैठना है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगणा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव से। तो मौसम की बात की जाए, मौसम बिल्कुल साफ़ है और धूप अभी नहीं आई क्योंकि मैं जल्दी उठ गया हूँ और सुबह से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, भाई साहब तो सोते रहते हैं। और यहाँ की बात की जाए, सपना और मधुरी को बाहर निकाला गया है क्योंकि जब तक धूप नहीं आई तब तक ये बाहर रहेंगे, जैसी थोड़ी देर बाद धूप आ जाएगी इनको अंदर बांध दिया जाएगा। तो मैं आज जल्दी इसलिए उठा हूँ क्योंकि आज हमारे फौजी भाई जा रहे हैं ट्रेनिंग में वापस। 6 महीने की छुट्टी के बाद आए थे 1 महीने के लिए घर, और 1 महीना कब कटा इसका पता ही नहीं चला। तो अब वो जा रहे हैं फिर से वापस, तो देखते हैं आज कैसा इमोशनल सीन होता है। तो थोड़ा मैं भी चाय पी लेता हूँ, उसके बाद भाई को छोड़ने जाते हैं सड़क पे। क्योंकि मैं सुबह की चाय पी रहा हूँ और वो भी फीकी चाय, तो चाय के साथ मैं नमकीन खा रहा हूँ, थोड़ा सा नमकीन रखी हुई है। और ये मम्मी की चाय, ये छोटी बहन की चाय। तो ये जल्दी ख़त्म करके मैं भी चलता हूँ फौजी भाई को छोड़ने, वो भी तैयार हो गया होगा। अरे भाई चल पड़ा चले चलो चलो। तो अपना फौजी भाई चले गए, 1 महीने का पता ही नहीं चला यार, आज से अकेला हम तो अकेले आज से। फौजी भाई, हाँ जी, जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं लड़के, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप यहाँ पे? हाँ भाई, भर्ती का तो अभी पता नहीं कब है सीन, ठीक, लेकिन जो अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखनी है, तैयारी मत छोड़ना। तो आपने सुना, फौजी भाई ने बहुत मेहनत की और जितने भी लड़के ट्रेनिंग में लगे हैं हिम्मत मत हारो, नेवर गिव अप, लगे रहो, किस्मत कब आपका साथ दे दे कोई फिक्स नहीं। तो अब फौजी भाई चलते हैं यहाँ से। चलो ठीक है, हैप्पी जर्नी, थैंक यू सो मच, ठीक है, ठीक है, ठीक है फौजी भाई, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। आज फौजी भाई भी चले गया और मन उदास है, उदास इसलिए कि बहुत मोटिवेट बंदा है, बहुत मोटिवेट करता है और हर चीज़ में सपोर्ट करता है। तो बिल्कुल यहाँ एकदम दिल के करीब है बंदा, तो कोई दिल के करीब से अगर आपको दूर चले जाए तो कितना बुरा लगता है यार। आज से अपन अकेला है इधर गांव में, बस अब भगवान करे 3 महीने फौजी भाई कट जाए जल्दी से जल्दी, पता ही ना चले कब 3 महीने कटे, फिर से फौजी भाई हमारे साथ आए, हम फिर से गांव की मस्तियां करें। इस 28 दिन में फौजी भाई के साथ मैंने हर जगह ब्लॉग बनाए, हर जगह मैंने कई बार मजाक किया कि फौजी भाई मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, लेकिन फौजी भाई ने कहा कि नहीं दिमाग ख़राब है, इतनी मेहनत कर रहा है, लोग इतना देख रहे हैं, करते रहो। बस फौजी भाई तो अभी थोड़ा 3 महीने के लिए दूर हैं, लेकिन आप जो मेरी जो 10,000 फैमिली होने वाली है, सिर्फ आप लोग यहाँ हैं अभी और आप लोगों के सहारे मैं अब ब्लॉगिंग करूँगा, अकेले ही करूँगा लेकिन सब आप लोगों के लिए करूँगा। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें इसी प्रकार जैसे आप बना ही रहे हैं। 10,000 मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, एक छोटे से गांव का रहने वाला, हमारे इधर को यूट्यूब के बारे में जानता नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि 10,000 होने वाला है। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो 10 लाख क्या मिलियन भी पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए घर चलते हैं अब। और कुछ ऐसे इमोशनल सीन थे जो मैं नहीं ले पाया, उनकी मम्मी रो रही थी, तो बहुत सारे सीन ऐसे जिनको नहीं ले पाया मैं क्योंकि खुद भावुक हो जाते हैं हम, हमारे भी जज्बात जुड़े रहते हैं, कोई इतने दूर चले जाता हमसे तो रोना तो आता ही है, और फिर ऊपर से हमारे फौजी भाई हो 6 महीने की ट्रेनिंग करके आ रहे हो तो बुरा तो लगता ही है, इसलिए मैं वो सीन नहीं ले पाया जो भी छोटी मोटी क्लिप थी आप लोगों के साथ शेयर की। चलिए अब मैं भी घर चलता हूँ, कुछ काम है, वीडियो अपलोड पर लगा रखी वो भी अपलोड नहीं हुई, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है गाँव में। चलिए फाइनली मैं घर आ गया, और इधर आग जल रही है, आग जलने से भाई गैस तो बज रहा कम से कम, थोड़ा चाय बनाओ बढ़िया वाली, बढ़िया वाली यार। अरे बोले यार बाज यार, और ये हो रही स्कूल के लिए तैयार, पढ़ाई भी किया कर ठीक है। हाँ और ये तो हटा ही नहीं अभी, जैसे मैं गया वैसे इसके ऊपर था। चलिए सूर्यदेव भी उदय हो गए हैं और अब थोड़ा बहुत धूप आ गए गाँव में, और मम्मी ने यहाँ इनको नहला दिया है, इसको भी थोड़ा नहला दिया और इस पर भी,
इसको भी कर दे एकदम सेट कर दे इसको भी। महाराज आराम कर रहे हैं अपना। उठ गए साहब? अभी उठ गए अभी। चले किचन में देखते क्या क्या हो रहा है। वीडियो वीडियो मैंने थोड़ा एडिट की। संदीप भाई को मैंने छोड़ दिया था सड़क पे। अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ हो रही है चटनी की पिसाई। यहाँ पुदीने की चटनी पीसी जा रही है। चलिए तब तक मम्मी चटनी पीसती है तब तक मैं मुँह धुल देता हूँ, फिर करते हैं नाश्ता। तो मुँह हाथ मैंने धुल लिया है और अब मम्मी बुला रही मुझे खाना खाने के लिए। तो चलिए जाता हूँ थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ क्योंकि मम्मी उसके बाद जा रही खेतों में। तो थोड़ा मम्मी के साथ नाश्ता कर लेता हूँ। तो खाना ही रखा जा रहा है। हाँ रोटी। तो चलिए थोड़ा खा लेते हैं उसके बाद देखते हैं बाहर से भूख लगती कि नहीं लगती। अभी खा लेते हैं। आज बना रखा है आलू का झोल और यह है पुदीने की चटनी और इधर बना रखी है रोटी। इस आधा रोटी को किनारे करते हैं और रोटी खा लेते हैं पहले चटनी के साथ फिर भात खाएंगे। तब तो चलिए खाना मैंने खा लिया है और मम्मी चले गई खेतों में। तो थोड़ा मैं भी अपना काम करता हूँ उसके बाद देखते हैं आज क्या क्या होता है। धूप इतनी भयंकर लग रही है कि बाहर अभी जाया नहीं जा रहा है। न जाने कैसे पहाड़ की जो महिलाएं होती है वो अभी खेतों में काम कर रही है इस तीन दोपहरी घाम में। बहुत ज़्यादा तेज़ी से धूप लग रही है और अभी हमारे गाँव की सभी महिलाएँ खेतों में गेहूँ काट रही है। देख सकते हैं आप कितनी भयंकर धूप लग रही है और सब ने अपने छत के ऊपर और चौक पे गेहूं सुखाने के लिए डाल रखे हैं। सभी लोग अभी खेतों में काम कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पूरे नीचे खेतों में सभी अभी गेहूं काट रहे हैं और सपना और मधुरी को अंदर बांध रखा है और भाई साहब यहाँ सो रखे हैं आराम से। महाराज के लिए पानी रख देते हैं। तो दोस्तों आज का काम कुछ नहीं हुआ। मैं दिन में सो गया था और अभी उठ रहा हूँ। तो मेरे पास कल की वीडियो है क्योंकि आजकल उत्तरकाशी के बोंगा भेलोड़ा में बाघ का आतंक हो रखा है तो वहाँ की एक वीडियो मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। और परसों जब मैं उत्तरकाशी गया था तो मैंने उस गांव की एक वीडियो बनाई है तो आपको मैं बताता हूँ कि वो बाघ कहाँ पे था। उत्तरकाशी से मात्र 1 किलोमीटर पीछे बोंगा भेलोड़ा पड़ता है और वहाँ बाघ 2 बाघ दिखाई दिए दिन में। तो आपको मैं दिखाता हूँ मैंने कहाँ से वो वीडियो शूट किया था और वो जो बाघ वाला वीडियो वो भी किसी ने वायरल किया। तो मैं जब उस वीडियो को देखने गया कि क्या वो वीडियो सही में कहीं से वायरल हुआ या कहीं और जगह का है तो जब मैं उत्तरकाशी जा रहा था तो रियल में वो वीडियो वहीं का है। तो मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ फिर आप मैच कर लेना कि सही में वो बाघ उसी खेतों में थे। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पीछे जो खेत हैं हाल ही में यहाँ 2 शेर देखे गए वो भी दिन में 12-1 बजे। आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगा। पहले मैं आपको यहाँ पूरी लोकेशन दिखा देता हूँ। एक इस गांव का नाम है बोंगा गांव। उत्तरकाशी से 2-3 किलोमीटर ऊपर पड़ता है थोड़ा बैक साइड और यहाँ से उत्तरकाशी नजदीक है एकदम। तो मैं आपको दिखाता हूँ इन खेतों में दिन में 2 शेर दिखाई दिए। ये देखिए आप इन्हीं खेतों में वो दिन में वो 2 बाघ दिखाई दिए और लोगों ने अपने घर से वो वीडियो बनाए थे। और काफी खतरा होता है जब ऐसे दिख रहे हैं। तो यह है बोंगा गांव, यहाँ दिन में 2 शेर घूम रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि उनके बच्चे यहाँ आ गए थे इस झाड़ी में इसीलिए वो दिन में यहाँ घूमे और कुछ दिन से लगातार देखे जा रहे हैं लोग। उत्तरकाशी यहीं पे नजदीक पे है और वहां से लोग इवनिंग वॉक पे यहाँ आते हैं लेकिन आजकल इस सड़क पे कोई नहीं आ रहा है क्योंकि वो 2 बाघ यहीं घूम रहे हैं। तो जब वो दिन में दिख सकते हैं तो शाम को तो आराम से वो अटैक कर सकते हैं। तो यही है वो बोंगा गांव जहां 2 बाघ देखे गए। ये बेटा ये एक दुए ये चुलिया ना फटाफट दुए ही था क्या है ये हो गए दोनों कट। हम नहीं पार एक पिंजरा एडम नहीं
तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पानी भाई पी लो चाय, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय देव भूमि उत्तराखंड।